हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खरसा। मेरी आज की रेसिपी है चना दाल वड़ा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। करारे चने दाल वड़े की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चना दाल वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चने की दाल। चने की दाल को हम रात भर भिगो के रखेंगे, और ये हमने पहले से भिगो करके रखा था चने की दाल को पूरी रात। अच्छे से धो लें 2 से 3 पानी से, और रात भर इसे भिगो के रख दिए। और ये देखिए, हमने पहले से ही रेडी करके रखा है चने की दाल को। अच्छे से धोने के बाद ही आप भिगो कर रखिए। अभी हम मसालों को मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे, और ये लिया है हमने मिक्सर फोड़ा वाला जार, और इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 इंच दालचीनी का ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अनुसार तीखा ऐड करें 5 से 6, हमने हरी मिर्ची ऐड किया है, कड़ी पत्ते को ऐड करें 10 से 15, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पोहा ऐड करेंगे 1 कप, सभी के यहाँ बहुत ही आसानी से अवेलेबल रहता है, तो आप पोहे को ऐड करें, और पोहे से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और क्रंची हमारे वड़े बनते हैं। इन सभी को हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लें बारीक, और ये देखिए हमने सभी को ग्राइंड कर लिया है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी रात भर, इसे भी हम बिना पानी को ऐड किए इसे दरदरा पीस लेंगे, और ये हमने पीस करके रेडी कर लिया है। चने की दाल के पेस्ट को बड़े बाउल में ट्रांसफर करें, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज को बारीक कट कर लें, और इसमें ऐड करें धनिया के पत्ते 3 से 4 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें, 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, आप तेल को गर्म करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें हाथों से, और ये देखिए हमने सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। वड़ों की साइज आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे या बड़े भी बना सकते हैं। और हमने लिया है नींबू के आकार का पेस्ट, और इस तरीके से हम वड़े बनाएंगे। इस तरीके से राउंड कर लें, और फिर ऐसे हल्के से प्रेस करें हाथों से। बहुत ज़्यादा वड़े को आपको प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से प्रेस करना है, और फिर इसे हम दूसरी हथेली पे इस तरीके से राउंड राउंड करें। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा शेप आता है वड़े का, और इसी तरीके से हम सारे वड़े बना करके रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए हमने सारे वड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। गैस हमने ऑन कर दी, कढ़ाई रख दी है, तेल गरम हो चुका है। तेल गरम हो जाए उसके बाद आप गैस को मीडियम फ्लेम पे रख दें, और सारे वड़े को ट्रांसफ़र करें। और ये देखिए सारे वड़े को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है तेल में। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, और 2 मिनट के बाद ही आप इसे पलटें, टर्न करें। 2 मिनट से पहले ना करें, नहीं तो वड़े फट सकते हैं, इसलिए 2 मिनट के बाद ही सभी को टर्न करें। और ये देखिए 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है, हम सभी को पलट देते हैं, टर्न कर देते हैं। एक साइड से अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं वड़े। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, बहुत तेज ना रखें, और इसी तरीके से आप 2-2 मिनट करके दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। और ये देखिए हमने सभी को फ्राई कर लिया, हमारे क्रिस्पी करारे वड़े बनके तैयार हैं। पोहे की जगह आप चावल के आटे को भी ऐड कर सकते हैं, और गर्मा गर्म आप चने वड़े को चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें। आपको मेरी चना दाल वड़ा की रेसिपी कैसी लगी? आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।